बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे हैं तनवीर ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो यामाहा वाईडी 100cc और यामाहा जुनून उसके क्लच बॉक्स की रबड़ों के मुतल्लिक है। उसकी क्लच बॉक्स की रबड़ें जो ओरिजिनल चल जाती हैं, उसके बाद जितनी दफ़ा भी हम डालेंगे इसकी अपनी रबड़ें, वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं। इसके अंदर कौन सी रबटें डालनी चाहिए कि भी वो दोबारा ख़राब ना हो? इसका रबटें बदलने का तरीक़ेकार सिंपल है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके अंदर जो रबटें डालनी हैं, वो जो मैं डालता हूँ इसके अंदर, जो क्लच बॉक्स के अंदर रबटें, वो सुजुकी A100cc 2 स्ट्रोक उसके क्लच बॉक्स वाली रबटें इसके अंदर डालता हूँ। वो ठोस रबटें होती हैं और इसकी जो रबटें होती हैं वो उनके अंदर होल होता है और सुराख होता है। वो जिस वक्त उसके ऊपर दबाव पड़ता है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं और टूट के रेजा रेजा हो जाती हैं। जैसा कि आप देखेंगे इसके अंदर, ये निकलने के बाद ये रिबटें वगैरह हैं इसकी, ये हम निकाल लेंगे। इसके बाद खोलने के बाद आप देखेंगे कि भी इसके अंदर रबटें बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई हैं और क्लच बॉक्स की रबटों का जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। और इससे ये होगा कि इंजन का जो साउंड है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और बहुत ज़्यादा साउंड करेगा। बाइक स्टार्ट होते वक्त भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी और बंद होगी तब भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। ये देखें आप, इसके अंदर रबटें हैं ही नहीं, ना होने के बराबर हैं, कुछ पीस रह गए हैं, बाकी सब रबटें इसकी टूट के रेजा रेजा होकर बाहर निकल गई हैं और ऑयल के अंदर मिक्स हो गई हैं। और इसके अलावा जितनी दफ़ा भी आप इसकी जो अपनी ओरिजिनल रबटें, आप ओरिजिनल तो मिलती नहीं है दोबारा, जो यामाहा की रबटें आती हैं वो आप जितनी दफ़ा भी डालेंगे वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगी। और अगर आप सुजुकी A100cc 2 स्ट्रोक है उसकी क्लच बॉक्स की रबटें सन कंपनी की, जो ओरिजिनल कंपनी रबटें हैं, वो डालें, इंशाल्लाह दोबारा ये क्लच बॉक्स की रबटों का प्रॉब्लम नहीं होगा आपकी बाइक के अंदर और बिल्कुल बे आवाज़ चलेगा क्लच बॉक्स और किसी किस्म की इसके अंदर प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसका फिटिंग का तरीक़ेकार आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको खुद फिट कर सकते हैं। रिबटें लगाने के बाद इनको हम पंच कर देंगे और पंच भी बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पर एक ठोस पिन रखें और ऊपर हथौड़ी के साथ इसको आप पंच कर दें। ये जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इसको पंच कर दें। जी, तमाम रबटें पंच करने के बाद इसको आप देखेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया है और ये दोबारा ना तो जल्द ये रबटें ख़राब होंगी और ना ये क्लच बॉक्स आवाज़ करेगा। जी तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वीडियो मुकम्मल होगी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।